दारू, गांजा, ड्रग्स और दीगर नशीली दवाइयों में नौजवानों को अपनी जिंदगी बर्बाद करता देख नशा मुक्त भारत अभियान अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया है। मुल्क भर में मेटा पाटकर की लीडरशिप में नशा मुक्त भारत अभियान के जरिए नौजवानों को नशे से होने वाले नुकसान से आगाह किया जा रहा है। गुलबर्गा शहर में भी नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अलन कांग्रेस MLA BR पाटिल, एडवोकेट वहाज बाबा, हुडगी सर, अश्विनी और दीगर कई सोशल रिफॉर्मर्स नशा मुक्त भारत अभियान के जरिए नौजवानों में अवेयरनेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुलबर्गा शहर के हर गली मोहल्ले में नौजवान खासकर गांजा और मेडिकल में मिलने वाली दवाइयों के इतने ज्यादा आदी हो गए हैं कि वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। गुलबर्गा एवानशाही गेस्ट हाउस में प्रेस मीट कर BR पाटिल और एडवोकेट वहाज बाबा ने बताया, 2 अक्टूबर गांधी जयंती को गांधी स्टैचू के सामने अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। शहर के तमाम पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लीडर्स, सोशल एक्टिविस्ट, स्कूल और कॉलेज मैनेजमेंट और हर कोई इस अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हो सकता है। प्रोग्राम से जुड़ी ज्यादा जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर डॉक्टर राजशेखर से डिटेल हासिल कर सकते हैं। दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा। स्टूडेंट्स गेटिंग एजुकेशन फॉर बोथ द वर्ल्ड्स बेस्ट एकेडमिक इंग्लिश एजुकेशन डिप्लोमा इन अरबिक 2023 एडमिशन स्टार्टेड। कॉन्टैक्ट एंड विजिट स्कूल फॉर मोर डिटेल्स। ये नशा मुक्त भारत का हमारा एक अभियान है। इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मेधा पाटकर जी है। हम देश भर में ये अभियान चलाते हैं। इस बार जैसा कि राजशेखर पाटिल ने बताया आपको, 2 तारीख को गांधी जी के जो स्टैचू है टाउन हॉल के सामने, हम सब लोग एक दिन के लिए वहाँ पर हम बैठ रहे। देश पूरा देश में नशा मुक्त होना चाहिए। नशे से हमारा नौजवान बच्चे बर्बाद हो रहे, बेकार बन रहे। कितने महिला मर्द को खोलिए, बच्चों को खोलिए, बहुत बड़ा समस्या है। ये सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। अगर इस देश को बचाना है तो गांधी जी का सपना था उसको साकार करना है, और बाबा साहब का जो सपना था उसको भी साकार करना है। और सारे मजहब के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्राइस्ट हो, धर्म बुद्ध हो, सब इसके खिलाफ है। तो आज गुलबर्गा में हम लोग शुरू कर रहे हैं 2 तारीख को। आप सभी का सहकार चाहिए। आपके मदद से जनता को हम पहुंच सकते हैं और बड़ा मूवमेंट खड़ा हो सकता है। विशेष तौर पे महिला लोग इसमें तबाह है। आज रोज ज़्यादा बढ़ रहा है। सरकार ने फिर 1000 वाइन शॉप देने का भी बात कल हमारा एक्साइज मिनिस्टर के मुंह से हमने सुना है। ये बहुत भयानक है। तो इसके लिए हम अभियान चला रहे। आप सभी सोशल मीडिया साथियों को मेरा विनंती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक पहुंचाने का काम करिए। इतना ही मेरा विनंती है। राज्य में आपकी सरकार है तो इस पर प्रतिबंध राज्य में क्यों नहीं लग रहा है? जिस तरह देखते सर, हाल ही के दिनों में गुलबर्गा जिले से कितना किलो गांजा निकला, बैंगलोर सिटी का पुलिस आके लेके गया, कोई प्रतिबंध, कोई स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं? देखिए, सरकार तो जरूर कांग्रेस का है, लेकिन कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो उसको मैं मानता हूँ, लेकिन सारे बातों के लिए मैं राजी नहीं हूँ। मेरा एक आज़ादी है, मुझे कहने का हक है, और सॉवरेन गवर्नमेंट है। हम एज ए पब्लिक आदमी, मैं सरकार को भी विनंती कर सकता हूँ, सरकार को मैं मांग कर सकता हूँ, और सरकार के सामने मैं धरना भी लगा सकता हूँ इस काम के लिए। एक पार्टी के खिलाफ नहीं है। सर, शराब कानून में एज लिमिट का कोई ऐसा लोगो वगैरह नहीं लगा रखा, दिख रहा है कॉलेज स्टूडेंट हो या उससे नीचे तक के एज के बच्चे हो, वो लोग शराब खानों में, बारों में दिखे जाते हैं, और पुलिस इस पर कोई एक्शन नहीं लेती, सरकार का इस पर क्या रहेगा? इसके बारे में हम भी दुखी है। नौजवान पूरे सत्यानाश हो रहे हैं। ये 12-13 साल के लड़के लोग दारू पीना शुरू कर दिए, उसमें समाज में अशांति तैयार हो गया, क्राइम रेट ज़्यादा हो गया, एक्सीडेंट ज़्यादा हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो गया, और भी कई सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए एक ही रास्ता है कि नशा मुक्त भारत बनना ही चाहिए, और सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसको मानना चाहिए। इसलिए हम सरकार पर
दबाव ला रहे हैं। सर, ये जो अभियान है किस तरह युवाओं तक पहुंचेगा, कुछ चौकआउट हुआ है, कुछ ब्रांच हुआ है, किस तरह से जागृति युवाओं में आई? देखिए, अभी हमारे साथ सिर्फ दो नौजवान हैं, राजशेखर पाटिल और हमारे अश्विनी ऐसे लोग हैं, लेकिन अभी हमसे कांटेक्ट पे नहीं आए। और ज़्यादा से ज़्यादा इसका काम है कि सारे जो रिलीजियस हेड्स हैं, चाहे लिंगायत हो, चाहे मुस्लिम हो, बौद्ध हो, क्राइस्ट हो, इनका बड़ा जिम्मेदारी है। इनको हम विनती करते कि अगर मजहब को बचाना है, चाहे कोई भी मजहब को बचाना है, तो दारूबंदी होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोग ये फोरम बनाए। पुलिस प्रशासन का भी तो इसमें अहम रोल माना जाए, चेक पोस्ट लगाया जाए, वहाँ से रोक। बिल्कुल, पुलिस और एक्साइज डिपार्टमेंट इसको रोकना चाहिए, लेकिन नहीं रोक पा रहे। इसके वजह बहुत सारी बातें हैं, अभी हम आगे जाके चर्चा करेंगे। जब सरकार हमको बुलाएंगे उस वक्त हम बात करेंगे। हमारा डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर प्रियंका खरगे साहब कई बार इसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल उठाया कि किराना शॉप में दारू बेच रहा है, पान डब्बा में दारू बेच रहा है, होटल में दारू बेच रहा है। प्रियंका खरगे जी को भी हम मिलने वाले हैं कि आप ही के मुंह से ये बात आए हैं, आप ही हमारा जिला मंत्री है, आप क्यों नहीं ये काम करते है? उनको भी हम बात करने वाले हैं। ये उसी लिए हम सिर्फ दारू का बात नहीं है, नशा मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। ये बच्चे लोग जो है ड्रग एडिक्ट हो गए, कितने बच्चे लोग हमारे बर्बाद हो गया ड्रग एडिक्ट होके। और गुटखा में भी नशा है, गुटखा से कैंसर हो रहा है, बहुत बड़े बड़े सवाल हमारे सामने आ रहे हैं। तो विस्तार रूप से हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिहार में कम से कम नीतीश कुमार जो कानून लाया, बहुत कड़क कानून है, 100% कानून कोई सक्सेस नहीं होता, उसका रीच 80% हो सकता है। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जब कानून लाया 70% वहाँ पर लागू हो गया, 70%, ये भी बहुत बड़ा कामयाबी है। वहाँ महिला खुश है, डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हो रहा है, एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, और कोई वायलेंस नहीं हो रहा है, बहुत सारे प्रॉफिट इसके बाद होगा। नीतीश कुमार ने तो पहल किया, सर शुरू किया है, लेकिन राज्य में कब होगा ये? नहीं, कहीं राज्यों ने शुरू किया, गुजरात से शुरू हुआ है, जैसे गांधी जी का राज है, लेकिन आज भी वहाँ पर दारू बेच रहे हैं। तेलंगाना में शुरू किए, वो भी बंद हो गया, केरला में शुरू हुआ, वो भी बंद हुआ। हम कर्नाटक सरकार को हम ये मांग करते हैं कि जैसा नीतीश कुमार जो सारे विरोधी पार्टी एक हो रहे हैं, एक मुद्दा ये भी रखिए कि देश के लोगों को, गरीब लोगों को, महिलाओं को बचाना है, तो नीतीश कुमार जी ने अगवा लेना चाहिए कि सारे पार्टियों को मनाना चाहिए कि ये नशा मुक्त भारत बनने का भी काम आपको लेना पड़ेगा। सर, मार्च 2018 में लिकर से रेवेन्यू जनरेट होता 17,000 करोड़, 5 साल में 2023 में आप 29,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हो रहे गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका को। सीएम बोल रहे हैं कि 36,000 करोड़ हमारा टारगेट है, यानी कि बढ़ाना चाह रहे हैं, कम नहीं करना चाह रहे हैं। इंक्रीज होना, 36,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट करने का टारगेट है सिद्धरामैया का लिकर से। सिद्धरामैया का टारगेट नहीं, सरकार का टारगेट है। इसमें दो बात है, ज्यादा बेच के ज्यादा रेवेन्यू प्रोड्यूस करने का, ज्यादा बेच के ज्यादा रेवेन्यू लेने का, या नहीं तो थोड़ा ही बेच रहे। ये जो बेच रहे अभी इस पे जो है ना, उसका रेट बढ़ा के तो इनकम बढ़ाना, तो रेट बढ़ा के इनकम बढ़ाए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो कॉस्टली इंक्रीज होगा ना सर? नहीं नहीं, कॉस्टली होगा, जितना कॉस्टली होगा उतना रेवेन्यू बढ़ेगा। तो कॉस्टली उतना तो नहीं होगा कि 100 रुपये की चीज 2,000 रुपये में तो नहीं होता। नहीं, ये उसके लिए बोल रहा था। और एक मैं सवाल, महिला सबलीकरण के बारे में, सोशल जस्टिस के बारे में हमारी सरकार कटिबद्ध है, कमिटेड है। ये भी एक सवाल महिला सबलीकरण के में आता है, अगर घर अच्छा रहा तो परिवार अच्छा रहता, बच्चे अच्छा रहता, मर्द अच्छा रहता,
घर में ही प्रॉब्लम हो गया तो सारे बिगड़ जाते हैं। तो सबलीकरण का जो बात है इसको अप्लाई होता है। आप महिलाओं को बस का फ्री पास दे रहे, महिलाओं को गृहलक्ष्मी में आप 2000 रुपये में घर चलाने के लिए दे रहे, लेकिन आप 36,000 करोड़ रुपया पैसा उनके तरफ से छीन ले रहे हैं आप। ये सही नहीं है। जो हमारे महिला लोग गांव में हम जाते हैं, विशेष तौर पे दलित कॉलोनी में, तांडा में, गरीबों के कॉलोनी में, हमारे बहनें एक कहते हैं कि आपका पैसा न को, आपका चावल न को, आपका कोई कुछ भी मत न को, हमारा दारू बंद करिए। एक ही मांग है। महिला इतना तबाह है कि कहीं महिला घर छोड़ के गुलबर्गा शहर में कोई बर्तन धोने का काम करे, कपड़ा धोने का काम करे, घर की सफाई के, सारे महिलाओं के पीछे एक एक कहानी है। इसके बारे में हम जागृत करने के लिए मुहिम उठाए। नशा मुक्त भारत जागृति अभियान का ऑब्जेक्ट ये है कि समाज में एक जागृति लाए, समाज में एक अवेयरनेस लाए। बार बार ये क्वेश्चन हो रहा है कि हम गवर्नमेंट में हैं, गवर्नमेंट में क्यों आप आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं बैन करा रहे हैं। हमारा समिति का ऑब्जेक्ट मकसद ये है कि गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, यूजुअली वही योजना बनाती है जो लोगों की जनभावना है, लोगों की क्या फीलिंग है, ये देखकर गवर्नमेंट अपनी योजनाएं बनाती है। तो हमारी समिति का ऑब्जेक्ट ये है कि लोगों में एक अवेयरनेस क्रिएट करें, एक सोशल रिफॉर्म लेकर आए, अपने तरफ से एक रिफॉर्म लेकर आए। सब लोगों को मालूम है ड्रग, आज नौजवान ड्रग में इन्वॉल्व है, महिला परेशान है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहा है। ये सोसाइटी में, समाज में एक जागरूकता आना है। समाज में अगर जागरूकता आएंगी, अवेयरनेस आएगा, तो 100% यही ओपिनियन क्रिएट करना है समाज में कि हमें एक स्वस्थ समाज के लिए, एक हेल्दी सोसाइटी के लिए हमें नशा मुक्त करना है। इस ये अभियान का यही मकसद है। अभियान पैरेलली हम गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को ये सोसाइटी में अवेयरनेस क्रिएट भी करा रहे हैं और गवर्नमेंट को जनता की भावना भी बता रहे हैं। इसका मकसद ये है। इसके लिए आज नहीं बल्कि बीआर पाटिल साहब पिछले कई सालों से ये जागृति अभियान चला रहे हैं। उसका ही एक कड़ी यह है कि समाज में एक जागृति आए, वरना उम्मीद है ना कोई आशा है, हर तरफ निराशा है, बर्बाद तुम्हें ये कर देगा, नशे की यही परिभाषा है। तो हम समाज में जागृति लाना चाह रहे हैं इस समिति के जरिए से। तो 2 अक्टूबर को सुबह 9:30 बजे महात्मा गांधी स्टैचू के पास ये अभियान, एक समावेश, एक प्रोग्राम, इसके बारे में जागरूक कराने के लिए, समाज को जागरूक कराने के लिए बीआर पाटिल साहब और हमारे हुड़गी साहब, आप गाला साहब, दीपक गाला साहब और पूरे हमारे जो भी सीनियर लीडर्स हैं, इनकी नेतृत्व में रिलीजियस हेड्स, ये लोगों को सबको इन्वाइट कर एक जागृति का एक समावेश, एक प्रोग्राम किया जा रहा है। मैं आप हमारी समिति की तरफ से आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस हमारे इस अनाउंसमेंट को, प्रोग्राम को आप लोगों तक लेकर जाइए। एक हम पूरा विश्वास करते हैं कि हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से गुलबर्गा में, गुलबर्गा समाज के, किसी भी समाज से हो, किसी भी धर्म से हो, सब लोगों को ये प्रेस की तरफ से हम इन्वाइट करते हैं कि इस समावेश 2 अक्टूबर के इस समावेश में 9:30 बजे ठीक आप आए, एक समाज में जागृति हम पैदा कर सकें। अभी हमारी ये कोशिश रहेगी कि ये कंटिन्यू रहेगा, ये सिर्फ जो है ना 2 अक्टूबर के हद तक नहीं रहेगा, ये कंटिन्यू रहेगा। 2 अक्टूबर क्यों चुना गया, तो महात्मा गांधी का एक जो ना ये था, उनका ड्रीम था कि मेरा भारत जो है ना नशा मुक्त भारत होना बोल के, उसको जो है ना इसके अंदर जो है ना, और हम अभी बी आर पाटिल को मैं शुक्रिया ना इसलिए करना चाहता हूँ कि जो है ना उन्होंने गवर्नमेंट में रह के भी जो है ना लोगों का भलाई क्या है वो सोच रहे उन्होंने। एक आप जैसा बोले रेवेन्यू जनरेट होता है, लेकिन सोशल वेलफेयर कंसेप्ट का वो रेवेन्यू जनरेट का नहीं है। सोशल वेलफेयर स्टेट बोले तो नशा नहीं रहना, हर आदमी खुशी से रहना, हर फैमिली खुशी से रहना। अब धारू का देखो, WHO रिपोर्ट के मुताबिक जो है ना 2,60,000 लोग हमारे देश में ईयरली मरते हैं बिकॉज ऑफ दारू।
दारू से, कैंसर, एक्सीडेंट वगैरह से, ये रिपोर्ट WHO का है, वहाँ पर आंकड़े कितने खरी गए होंगे, गलत गए होंगे, इससे ज़्यादा ही होगा, लेकिन ये अटेंट के हम पकड़ेंगे। तो डेली एवरेज जो है ना 732 लोग मर रहे हैं हमारे देश में दारू के वजह से, नशे के वजह से 732 लोग डेली मर रहे बोले तो, लिवर क्लेरोसिस है, कैंसर है, हर चीज़ से। तो हम क्या कर रहे हैं बोले तो, हम इंसानियत देखो, रेवेन्यू कलेक्ट करना अच्छी बात है, लेकिन रेवेन्यू किसी को जहर पिला के कलेक्ट करना, जहर के किसको पिला के कलेक्ट करना, ये कौन सा इंसाफ है मेरे को बताओ। हमारा कंसेप्ट क्या रहना, सोशल वेलफेयर स्टेट रहना, हर आदमी खुशी से रहना। दारू से ये जो है कितना जो है ना ये होता है बोले तो क्राइम रिलेटेड होता है, क्राइम भी इससे थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन होता है दारू से। दारू से जो है ना कोई भी जो है ना संसार या फैमिली उसका पीस ही चले जाता है, हर फैमिली पीस के रहने का हर एक को अधिक ये हक है उसको, हर एक को रहने का। तो ये चीज़ जो है ना गवर्नमेंट खुद जो है ना आगे आना इसको सोशल वेलफेयर के लिए, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग जो है ना रेवेन्यू के पीछे पड़ के, रेवेन्यू दुनिया के है जो ऐसे वेस्ट डिपार्टमेंट है उनको कर पड़े तो रेवेन्यू सेविंग होता है, उसके तरफ जो है ना सरकार का ध्यान होना। ये नहीं कि भाई हम दारू बेच के जो है ना कलेक्ट करेंगे बोले तो गैर बुला के कलेक्ट करेंगे बोले सर की बात होंगी, ये बात तो ये सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट नहीं है, ये इट इज़ अ एंटी सोशल वेलफेयर मेजर्स बोलते हैं हम इसको, बोलना चाहता हूँ मैं। और हर आदमी को देखो क्या बोले तो, इसमें दारू पीने से खाली इंडिविजुअल तबाह नहीं होता, इसके साथ जो है ना उसके फैमिली तबाह होती है, उसके बीवी बच्चे वगैरह पूरे वो जो है ना प्रॉब्लम में पड़ते हैं। तो जो है ना गरीबी हटाओ बोल के बोल रहे तो एक तरफ जो है ना गरीबी और पैदा कर रहे हैं हम इसके हिसाब से, ये कौन सा जो है ना इंसाफ है बोल के मैं पूछना चाहता हूँ। और एक बार मैं जो है ना ये इनिशिएशन जो लिए हमारे BR पटेल साहब, इसके लिए मैं जो है ना सबके तरफ से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और उनके साथ हम हमेशा रहेंगे और ये अभियान में। और मैं ये आशा करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि अभियान जो है ना निरंतर रहेगा, ये निरंतर रहेगा जब तक कि गवर्नमेंट का जो है ना आँख नहीं खुलती, जब तक ये चालू रहेगा। और हर आदमी को अमन से रहने का जो है ना एक दिन आएगा ऐसा मैं ये उम्मीद करता हूँ मैं। सरकार रेवेन्यू बरताना तो नम दौड़ तप कल्पने, सरकार नष्टानू अस्टे या कुड़ो ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕುಡಿಯೋರು ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ್ದ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಇದು ವಸ್ತು ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕುಡಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋರಿಗೆ ಎಂಥವ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮುಂಜಾನೆ ಸಂತಾನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೌಂಡರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಲ್ದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಲಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಕೂಲಿಕಾರ ಇಂಥವ್ರೇ ಕುಡಿದು ಅವ್ರ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾವ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಅದು ಆದಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಳಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಹೋಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲರ ದವಾಖಾನೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿದು ದುಡ್ಡು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಮತ್ತೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಇಟ್ಟು ಇಷ್ಟಾದರೂ ಸಹ ಆ ಮನೆಯ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ, ಗಳಸ ಮನುಷ್ಯ ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಸಹಿತ, ನನ್ನೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಪಳ್ಳಿ ಅಂತ ಚುಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕದ 5 ಮನೆಗಳದಾಗ ದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಓಪನ್ ಆಗಿ 5 ಮನೆಗಳದ ದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಟ್ಲ್ಗಳದ ದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಿರಾಣಿ ದುಕಾನದ ದಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಊರಾಗ ಹಾಲು ಬರ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸರ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳದ ಸಿಕ್ತು, ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳದ ಸಿಕ್ತು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ನಾ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ ದಿಲ್ಲಿ ತನಕನೂ, ಬಡವರಿಂದ ಶ್ರೀಮಂತರ ತನಕನೂ, ಬರೀ ಚಟ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸರಾಯಿ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಗುಟ್ಟಗಲ್ಲಿಂದ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟೋ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ತಿನ್ನದೆ ಇವತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ, ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಂದ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೆದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಾಗ BR ಪಾಟೀಲ್ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಪರವಾಗಿ. ಇದೊಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ, ಆಂದೋಲನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಕಲ್ಲಿನ ಮಹಾಂತ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಮಹಾಂತ ಜೋಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ದುಶ್ಚಟಾವ ಬರೀ ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕೋದೇ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಡಿಗೆ ರೇಣುಸಿದ್ಧ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ಸಹ ಹಿಂಗೆ ನಶೆ ಮುಕ್ತಿದ ಸಲ ಕೆಲಸ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಕೋರ್ಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಕೋರ್ಣೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮುಖಂಡರು, ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಗುರುಗಳು ಇದರೊಳಗೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಬರೀ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟದ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ, ಇಡೀ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಕರ್ತವ್ಯ ಇದೆ. ಜನರಿಗೆ ಅವೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜನರಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಕುಡಿಯೋರು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾರೋರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮತ್ತು ಕುಡಿಸೋರು ಯಾರ, ಮಾರೋರು ಯಾರ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ್ಯಾರ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯದವ್ರು ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಇವ್ರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಚುನಾವಣೆದಾಗ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ಇವ್ರು ಕುಡ್ಲಾಕ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5-10% ಮಂದಿರ ಬದುಕ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಯಾರ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದಾಗ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ಕುಡ್ಸರಾಟಿ ಹಾಕಿದವರು ಭಾಳ ಮಂದಿರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನಜಾಗೃತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ನಾವು ಬರ್ತೇವೆ, ನಾವು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು ಬರ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋಣ.
ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂದೇಶ ಕೊಡೋಮಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈ ನಶೆಯಿಂದ ಬಹಳ ನರಳ್ತಾ ಇರೋರು ಅಂತಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು, ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ದುಡಿತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹಳ್ಳಿ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ 90% ಆರ್ಥಿಕ ಹೊಣೆ ಕುಟುಂಬದ ಹೊಣೆ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ. ಆಕೆ ಗೌಂಡರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೊರಗೆ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಏನು ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಮನೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತೋ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಗಂಡ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು, ಮಕ್ಕಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು, ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಏನು ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಹಣವನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡಂಥ ಮಹಿಳೆ ಈ ನಶಾಮುಕ್ತ ಭಾರತದ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಈ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರ ಭಾಗಿತ್ವ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಈ ಸಲ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಶಾಮುಕ್ತ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾಗಳ ಸಹಕಾರ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆ ಯೆ ಬಾತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೈ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮೇ ಬೋಲ್ ಚುಕಾ ಹೂ. और सिद्धरामैया साहब डिस्ट्रिक्ट एम एल ए का मीटिंग बुलाए थे, उस वक्त में मैं बोल के आया हूँ. मैं 2 अक्टूबर को मैं धरना बैठ रहा हूँ, उनको कह के आया हूँ. ये डेमोक्रेसी है, मुझे कहने का हक है. पार्टी मुझे कोई रोक नहीं सकते ऐसा सामाजिक आंदोलन से. तो मैं सिद्धरामैया साहब को भी ये बात कह के आया हूँ, असेंबली में भी ये बात कहा हूँ. ये जितना भी पैसा आता 36,000 करोड़, ये सभी पाप का पैसा है. पाप का पैसा है, वो कोई अच्छा पवित्र पैसा नहीं है. लेकिन सरकार ने तो इतनी 5 गारंटियां देकर लागू भी किया, राज्य भर मुफ्त राशन है, 2,000 रुपये प्रति महीना, तो सरकार में पैसा कहाँ से जनरेट करेगी? अरे पैसा जनता को बर्बाद करके पैसा कमाने का ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तरीका? वेलफेयर स्टेट का बात हम कहते हैं, स्टेट बोले तो क्या लोगों को बर्बाद करके? कल्याण राज्य में कल्याण ही होना चाहिए. लोगों को बर्बाद करके कल्याण क्या करेंगे? ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಶರಾಯಿಗಳನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮಗೆ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಬೇಡ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ವೈನ್ ಶಾಪ್ಗಳು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಲಿ, ನಮ್ಗೆ 2,000 ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ಬಾದ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. एक तरफ से देना बर्बाद करना, दूसरे तरफ से लेना, ये कौन सा स्टेट का ये होता है? बोलो स्टेट का फंक्शन वो नहीं है. स्टेट का फंक्शन है वेलफेयर फंक्शन है. हर एक का जो ना वेलफेयर देखना, सिटीजन का वेलफेयर देखना, ये एंटी वेलफेयर मेजर्स है पूरे. शुरू करेंगे दोस्तों, आप भी मदद करिए. दिस वीडियो प्रेजेंटेड बाय पीस इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल ब्रांच हगरगा रोड एंड मिसबा नगर गुलबर्गा. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details.